हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है। तो जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हम बोले थे अपना आए हैं मायके, तो मायके से अभी हम जा रहे हैं अपना गाँव। तो दो दिन यहाँ पर गाँव में रुकने के बाद तो अभी हम चल जाएंगे अपना ससुराल वापस। बेटी भी अपना नानी घर में खूब इंजॉय की, सबके साथ मिली घुली, सबके साथ घूमी फिरी। और अभी जाने का वापस, अब जाने का टाइम आ गया है वापस। और यहाँ पर मेरे साथ मेरे दादी, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे दादू, ये लोग सब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और जबकि हमको जाना था ससुराल एक हफ्ता बाद, तो हम अभी हमें एक हफ्ता पहले जा रहे हैं। इमरजेंसी में जल्दी जाना पहुँचाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है जो हम लोग करना है और डेट नहीं है। तो इसलिए सब कुछ इतना फटाफट हुआ कि सब कुछ जाना पड़ रहा है। अभी एक हफ्ता पहले ही जाना पड़ रहा है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है कि आए थे कुछ दिन का छुट्टी लेके, अब जाना पड़ रहा है जल्दी। तो यहाँ पर देखिए, मेरे जैसे कि वो नानी घर में है, मेरे गांव में है, तो उसकी मेरे छोटे दादाजी है, उनको चांदी का एक चेन दिए हैं मेरी बेटू को। और यहाँ पर देखिए सब कुछ रेडी हो गए हैं हम लोग जाने के लिए। यहाँ पर गाड़ी भी आ गया है, सामान भी बाहर निकल गया है, और पापा भी आए हम लोग को छोड़ने के लिए। वापस चल जाएंगे जमशेदपुर। हम लोग गांव में हैं, मम्मी यहाँ पर खड़ी है अपनी अतनी को गोदी करके। यहाँ पर दादी भी मेरे साथ जाएगी, दादी खा रही है। यहाँ पर दादी जाएगी फुआ घर, दादी मेरे ससुराल नहीं जाएगी, वो फुआ घर में रुक जाएगी। मैं और मेरे दादू जो देखें, वो देखे मेरे दादू खड़े हैं, वो मेरे दादू जाएंगे मेरे साथ। तो यहाँ पर जैसे कि मेरी बेटी अभी जा रही है, आएगी का पता नहीं, तो सबको यहाँ पर उसका फ़ोटो खींच रहा है। उसके मासी लोग देखे पूरा घेर के रखी है उसको। और अब यहाँ पर हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, और मेरी बेटू भी थोड़ी सी मायूस हो गई है कि लोग सबको छोड़ के जा रही है। सबके साथ कितना अच्छा घुल मिल गई थी। मायके जाना तो अच्छा लगता है, पर आते वक्त जब पूछा जाता है कि और वापस कब आने वाले हो, तो बहुत तकलीफ होता है। पता ही नहीं रहता कि वापस अब दोबारा कब आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं, नानी मेरी मम्मी जा रही है छोड़ने के लिए, मेरी बेटी की नानी। यहाँ पर आके हम लोग मार्केट में रुके हैं। यहाँ पर देखिए मेरे नाना जी, मेरे मामा घर और मेरा घर जो मेरा गांव है वो सामने सामने ही है। मम्मी का शादी गांव में ही हुआ है, सामने सामने। तो यही है मेरे नाना जी। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटू गर्मी के मारे कैसे हो रही थी, यहाँ पर मेरे उसके नाना जी पहुँच गए, मतलब मेरे पापा। तो उसको अभी भेज देंगे पापा के साथ, थोड़ा बाहर में घूमेगी। और यहाँ पर गाड़ी खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल डाल रहे हैं चाचू। तो यहाँ पापा लेके उसको घुमाने के लिए थोड़ा सा अभी हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं। तो यहाँ से हम लोग सीधा जाने वाले हैं अपना फुआ का घर। तो यहाँ पर देखिए फुआ का घर पहुँच गए हैं, और यहीं पे नाश्ता लंच करेंगे, और लंच करने के बाद फिर निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो ये देखिए मेरी फुआ, मेरी दादी, मेरी मम्मी यहाँ पर मेरे बेटे को लेके बैठी है। तो अभी यहाँ पर लंच उंच करके यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं घर जाने के लिए वापस। और आप लोगों को बता दें कि हम लोग जाने वाले हैं पूरी। तो पूरी में हमारा बहुत बड़ा काम है, वहाँ पर बहुत बड़ा एक तो फंक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर मेरी फुआ, मेरे फूफा जी सब जाएंगे, तो हम लोग इसलिए उन लोगों को भी बोल दिए। हमारे घर पर लंच करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना घर पहुँच गए हैं। यहाँ पर दादू के साथ अपना बेटून जी करी है, ठीक पूरे 2 महीना बाद सबसे मिल रही थी। तो यहाँ पर शाम को हम लोग देख के निकल गए हैं पूरी के लिए। यहाँ पर गाड़ी भी आ चुका है, और वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और भी वीडियो आएंगे इससे रिलेटेड। और थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो रहा है कुछ काम की वजह से, तो वीडियो पर बन रही है, आगे और भी वीडियो आएंगे इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए।